बिहार में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि उन लोगों के कारण ही सर्वे हो पाया है, जबकि बीजेपी की तरफ से इस बात का विरोध किया जा रहा है। हालांकि ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव पर जुबानी हमला करते हुए कहा है कि बिहार में जातीय सर्वे करने का निर्णय उस सरकार का था जिसमें बीजेपी शामिल थी। लालू यादव ये बताएं कि आपने 15 साल बिहार में राज किया, अपने 15 साल के कार्यकाल में आपने जाति सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया, और आज जो बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है कि किस सरकार का फैसला था, जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक मंत्री थे, उस मंत्रिमंडल का यह फैसला है। इसलिए लालू जी अनावश्यक श्रेय लेने का प्रयास न करें। आपको जब मौका मिला तो आपने कभी जाति सर्वेक्षण नहीं कराया। दरअसल बिहार सरकार की जाति आधारित गणना जारी करने के बाद लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि जातीय जनगणना से ही जेपी का संपूर्ण क्रांति का सपना पूरा होगा। 2015 में भी मैंने यही बात कही थी। इसके साथ ही लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे समाज का लाभ होगा। ये लाभकारी है, इसीलिए ये जनगणना की जा रही है। कितना फायदा पहुंचेगा देश स्तर पर, होना चाहिए क्या? देश स्तर पर जो पिछड़ गए हैं, जो दब गए हैं, जो आगे नहीं आ पाए हैं, सबको लाभ होगा। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातिगत जनगणना को बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी बताया है। हालांकि बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना का डाटा रिलीज किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को मामले की सुनवाई रखी है। बता दें कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करके बड़ा दाव चला है, जिससे बीजेपी तिलमिला गई है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। अब ऐसे में चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी।